सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग मेनली कुछ बातें करने वाले हैं, मेनली फर्स्ट ईयर्स के लिए और मेनली थोड़ा सेकंड ईयर्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर मुझे बोले कि भाई अब हम लोग का एक साल ख़त्म होने वाला है, अभी तो क्लासेस से बस घर से कर रहे, कॉलेज लाइफ का उतना पता नहीं चल रहा है, आगे जाके क्या होगा ये भी नहीं पता। तो थोड़ा सा भैया गाइड करिए कि अभी से ही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग कोई भी कंपनीज में आए हैं कुछ सोच के आए होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेलोर में आया तो वो सोच के आया होगा कि क्या यहाँ पे मुझे ये कंपनी में जॉब चाहिए वो कंपनी, मतलब सब लोग अपना अपना ड्रीम कंपनी होता है एंड उसमें जॉब चाहिए रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अभी से ही। तो ये इसके लिए इसके साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और तो देखो अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में आ गए हो, तुम लोग का एक साल ख़त्म होने वाला है, हम जानते हैं सिचुएशन बहुत सैड है, कोविड सिचुएशन में तुम लोग अपना बीटेक स्टार्ट किए हो और अभी तक थिंग्स आर नॉट गुड, तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी का सिचुएशन इज़ नॉट गुड, बट स्टार्ट कर दो लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना। तुम लोग का सी ऑफकोर्स कॉलेज पढ़ा ही चुका होगा, बहुत सारे कॉलेज में सी प्लस प्लस भी पढ़ा चुका होगा, तो सी और सी प्लस प्लस पर ना अपना कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर दो। जिनका सी सी प्लस प्लस वीक है वो लोग अपना मई जून में सी सी प्लस प्लस को स्ट्रॉन्ग करो और उस पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते रहो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, गीक फॉर गीक, हैकर रैंक, कोडशेफ्ट, प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, बस हाँ टाइम तुम्हें देना है, डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन होना है इस चीज में, कि अगर बाय द वे तुमसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो कीप ट्राइंग ना, नहीं बनता है आज नहीं बनेगा कल बनेगा, ठीक है। इफ यू कीप ट्राइंग ना तो एक हफ्ता बाद बनेगा, लेकिन अगर तुम छोड़ दोगे ना तो वो तो कभी नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में बैठो, उसको एनालाइज करो, देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहा है, पूछो, मेरे से पूछ सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो, कॉलेज के टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन तुम जो गिव अप मत करो कि मैं इसे कोडिंग नहीं हो पाएगा, मैं कोडिंग के लिए नहीं बना हूँ, मैं इसके लिए नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचना, ठीक है, कि यार मैं इसे नहीं हो पाएगा। और बहुत लोगों में देखता हूँ ना कि वो सोसाइटीज़ और ये सब में बहुत इंगल्ज हो जाते हो, तो मैं यही एडवाइस है ना कि अगर तुम सोसाइटी या वो सब ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ घंटों तक मतलब उसमें इन्वेस्ट करो, पूरा दिन इन्वेस्ट नहीं करो, क्योंकि देखो अगर तुम कोडिंग को निगलेक्ट करके आज बाय द सोसाइटी में काम करो तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि तुम्हारा कोडिंग का स्किल्स नॉलेज एकदम जीरो जाता रहेगा, और कंपनी एट द एंड तुम्हें हायर किसके लिए कर रही है, कोडिंग के लिए कर रही है, टेक्निकल स्किल्स के लिए कर रही है, कंपनी तुमसे गाना तो नहीं गवाएगी, कंपनी तुमसे नुक्कड़ तो नहीं बोलेगी तुम्हें करने, तो तुम्हें मेनली ना अंडरस्टैंड करना है कि अभी से ही तुम्हें टेक्निकल स्किल्स अपना इंप्रूव करना है, जिनका जिनका वीक है वो अपना स्टार्ट कर दो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा सोसाइटीज मत ज्वाइन करो, सोसाइटीज ज्वाइन करो, ले एक दिन में एक घंटा दो, समझो ना, टाइम मैनेजमेंट करो जो भी कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स ट्राई टू मैनेज थिंग्स, अगर नहीं हो पा रहा है मैनेज तो प्रायोरिटी दो, जो थिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, अभी तुम्हारे पास सी सी प्लस प्लस है, सेकेंड ईयर में जावा आएगा, डेटा स्ट्रक्चर आएगा, डीबीएमएस आएगा, इतना सब प्रेशर आएगा, ऊपर से कोई प्रोजेक्ट करने का मन करेगा, नया टेक्नोलॉजी सीखने का मन करेगा, कोई एमएस सीख रहा होगा, कोई बिग डेटा सीख रहा होगा, तो बहुत कुछ दिमाग में चलेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट है ना कि फर्स्ट ईयर में ही अगर तुम सी सी प्लस प्लस का कोडिंग कर लोगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर लोगे, तो तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा जो कोडिंग का जो लॉजिक लगाना है वो सीख जाओगे ना, तो ये थर्ड ईयर तक तुमको ना प्रैक्टिस कर करके कुछ ना कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। और कंपनी ज़्यादा टफ एंड क्वेश्चंस नहीं पूछती है, उन लोगों को बस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, वो देखना चाहती है कि तुम कितना समझे हो थिंग्स को। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम सी सी प्लस प्लस जावा ही पढ़ के जाते हो और कंपनी उसी से पूछेगी, तो कंपनी हमेशा कॉन्सेप्चुअल थिंग्स पूछेगी, ये नहीं देखेगी तुम वो कितना आता है, वो देखेगी जब तुम्हें थोड़ा सा ही आता है तो थोड़ा में तुम्हें कितना आता है, समझ हो ना। तो तुम लोग को क्वालिटी में डिपेंडेंट होना है, ठीक है, हर चीज़ जो कर रहे हो अच्छे से करो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो जो लैंग्वेज में कर रहे हो उस पर स्ट्रॉन्ग हो, एक ही लैंग्वेज करो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, इन द सेंस जो जो तुम्हारे कॉलेज में है, फॉर एग्जाम्पल सी सी प्लस प्लस जावा कॉलेज पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि उन्होंने यही बोलना है कि कॉलेज जब तुम्हारे सिलेबस में है, जब तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स है, देन बाई यू आर वीक इन दैट, वैन यू कॉलेज टॉट यू दो सब्जेक्ट्स, तब क्यों क्या इशूज़ हो गए कि तुम वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं पाए। तो मैं यही है कि अभी से ही ना कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर दो, अभी से करोगे ना तो वो ना मई जून में ना तुम लोग प्रैक्टिस करना बहुत सारा, जब बहुत प्रैक्टिस करोगे मई जून में तो क्या होगा,
तुम लोग का कॉम्पिटेटिव कोडिंग स्ट्रांग हो जाएगा। उसके क्या होगा, सेकेंड ईयर में तुम थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे ना, काम चल जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर में सी सी प्लस प्लस वीक हो जाएगा, सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर में ट्रबल होगा, वहाँ पर जावा में इशूज फेस करोगे, देखते देखते तुम्हारा ये सी प्लस प्लस के साथ जावा और डेटा स्ट्रक्चर भी चल जाएगा, और क्या बचे तुम्हारे पास, थर्ड ईयर आ जाएगा। थर्ड ईयर में तुम एप्टी कॉम्पिटेटिव कोडिंग ये करे वो करे ये करे वो करे करते करते प्रोजेक्ट करे करते करते ही पूरा 3 साल बीत गया। फिर बोलोगे भैया सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब ले लेते, कोडिंग में से हो ही नहीं पा रही है। तुम सोचो फर्स्ट ईयर में ही अगर तुम ट्राई करते रहते, अब फर्स्ट ईयर में तुम हार नहीं मानते तो आज ये नौबत नहीं आता। बोला जाता है ना कि स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज ही तुम लोग डिसाइड करते हैं, ये सच्चाई है। एंड में बहुत कम ही लोग होंगे जो लास्ट मोमेंट में कोडिंग वोडिंग करके लाइक लास्ट का 6 महीने और लास्ट का 1 साल करके बहुत आगे निकल गए। नहीं, मैंने देखा है कि बहुत लोग का ड्रीम कंपनी जो भी फ्लिपकार्ट अमेजोन गोल्डमैन जो जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में निकालते हैं ना, वो लोग का बेसिक स्ट्रांग होता है। वो लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे से वो लोग कोडिंग में इंटरेस्ट जगाते हैं अपने अंदर। उनसे नहीं बनता तो वो लोग 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते हैं। मैं एक और एक दोस्त था, वो स्टडी रूम में उससे क्वेश्चन नहीं बनता, वो 4-4 घंटा बैठा रहता था एक ही क्वेश्चन को। मैं बोलता था इतना मेहनत तुम करते हो या हम लोग तो 1-2 घंटे वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बोलते भैया इसी में मुझे मन लगता है। तो तुम लोग को वैसा ही एक लगाना है, एक जुनून पैदा करना है कि आइए मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, करके रहेंगे, क्यों नहीं मेरे से लॉजिक लग पा रहा है, मैं कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो मैं देखूंगा कैसे हो पा रहा है, उस पर मेहनत करूंगा, उस पर एफर्ट्स डालूंगा। ये सब करो, एफर्ट्स डालो, जितना एफर्ट्स डालोगे तुम देखोगे उस पर रंग आएगा। आज जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, तुम देखोगे 2 हफ्ता बाद उस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, तुमसे बनेगा। और उस समय जो खुशी मिलता है ना, जबरदस्त खुशी मिलेगा। तो उस समय वो खुशी के लिए तुम लोगों को मेहनत करना, और ये तुम लोगों को फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। इसी कारण जितना भी फर्स्ट ईयर तो सेकेंड ईयर है, अभी से ही जो 2 महीना आने वाला पूरा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इन्वेस्ट करो, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। और जिनको पसंद आ रहे मेरे वीडियोज़ वो लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक भी करो। बाय।